नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर विजेंद्र कुमार, साइंस गुरु विजेंद्र सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एग्जामिनेशन विद थेरेपी के बारे में, जिनके क्वेश्चन कई एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं और दोस्तों जिनमें आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो मोस्ट जो थेरेपी, मोस्ट जो एग्जामिनेशन है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपके सामने पहले है एग्जामिनेशन, उसके बाद में थेरेपी। तो दोस्तों, आपके सामने जैसा कि है चार एग्जामिनेशन है, चारों के नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जिनमें कंफ्यूज रहने के काफी चांस हैं। तो दोस्तों, आपका कंफ्यूज मैं दूर कर देता हूँ कुछ ही समय के अंदर। तो दोस्तों देखो, पहले आपके सामने चार एग्जामिनेशन है, जिसका पहला है ECG, एक आपका EMG, एक आपका EG, एक आपका EOG। पहले तो दोस्तों, फुल स्टैंड ऑफ ECG, फुल स्टैंड ऑफ EG या फुल स्टैंड ऑफ EMG या फुल स्टैंड ऑफ EOG, इनके फुल फॉर्म का पता रखिए। क्योंकि दोस्तों, अभी रिसेंट जो लोको पायलट का एग्जाम होता, उसमें ये क्वेश्चन आया था फुल स्टैंड ऑफ EG। तो पहले इनका फुल फॉर्म, उसके बाद में ये किसकी जांच है, शरीर के कौन से अंग की जांच है। तो दोस्तों, पहला है ECG। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ECG की हम बात करें दोस्तों, तो ECG का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, आपके सामने EMG, EMG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। EMG का क्या नाम होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसी के साथ में पढ़ेंगे दोस्तों, तीसरा आपके सामने है EEG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी। ये किसका फुल फॉर्म है दोस्तों, EEG का। और लास्ट आपके सामने है EOG का फुल फॉर्म दोस्तों, इलेक्ट्रो ओक्युलोग्राफी। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा चार जांचें मिलती जुलती जांचें, जिनमें आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। पहले इनके फुल फॉर्म की हमने बात की, ECG का है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, EMG का है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, EEG का है इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी, EOG का इलेक्ट्रोओक्युलोग्राफी। जैसा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा कार्डियो का दोस्तों होता है हार्ट, कहीं पर भी कार्डियो से बताता कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफ लेना, फोटो लेना। मतलब दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रिकल तरंगों के द्वारा हमारे दिल की ग्राफ लेना, हमारे दिल का फोटो लेना, हमारे दिल की इमेज लेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसका मतलब दोस्तों, आपको पता चल गया होगा ECG किसकी जांच है, हार्ट की जांच है दोस्तों। किसकी जांच है, हार्ट की जांच है, हृदय की। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरी आपके सामने EMG। दोस्तों, कहीं पर भी मायो आता है, मायो हुआ, सार्को हुआ, मायो या सार्को का मतलब होता है मसल्स, मांसपेशियां। इसका मतलब दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिकल तरंग के द्वारा मांसपेशियों का ग्राफ लेना, मांसपेशियों की फोटो लेना क्या कहलाता है, EMG। इसका मतलब दोस्तों, आपको ये भी पता चल गया EMG किसकी जांच है, मांसपेशियों की। अपन बात करें दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती है, तो हमारे शरीर में दोस्तों एवरेज कितनी मसल्स होती है, 639 से 656 के आसपास हमारे शरीर में। अपन बात करें मसल्स की, मांसपेशियों की, तो एवरेजिंग होती है 639 से 656 के आसपास। तीसरा दोस्तों, आपके सामने EEG इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी। दोस्तों, कहीं पर भी सेफेलाइटिस से, हाइड्रोसेफेलिस, कहीं पर भी सेफेलोस बताता है, सेफेले को मतलब होता है मस्तिष्क। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल तरंगों के द्वारा हमारे मस्तिष्क की ग्राफ लेना, फोटो लेना क्या कहलाता है, EEG। मतलब दोस्तों, क्लियर है, EEG किसकी जांच होगी, हमारे ब्रेन की होगी, हमारे मस्तिष्क की जांच होगी। और लास्ट आपके सामने EOG इलेक्ट्रोओक्युलोग्राफी। दोस्तों, कहीं पर भी ओक्युलो आता है, ओक्युलो, ऑप्थेल्मो, इनका मतलब होता है आंखें। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल तरंगों के द्वारा आंखों का ग्राफ लेना, आंखों को जानना, आंखों को देखना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोओक्युलोग्राफी। दोस्तों, ECG हार्ट की, EMG मसल्स की,
ईजी ब्रेन की और ईओजी नेत्र की। नेक्स्ट बात की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इधर है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इधर है इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी, इधर है इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी। नेक्स्ट दोस्तों, मुझे बिलीव है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा यहाँ पर। तो दोस्तों नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे थेरेपी के बारे में, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके सामने वही चार थेरेपी है, पहला है डोर्स थेरेपी, दूसरा है केमोथेरेपी और तीसरा आपका फोटोथेरेपी, चौथा है एमडीटी। दोस्तों रिट सेकंड लेवल में इसी बार 11 फरवरी की हम बात करें, डोर्स का पूरा नाम है था। ये आपको सीन हो रहा है कि डोर्स जो थेरेपी है ये किस डिजीज के, किस बीमारी के ट्रीटमेंट या उपचार के लिए दी जाती है। टीबी के उपचार के लिए डोर्स किसमें देते हैं, तो डोर्स का यूज होता है टीबी के ट्रीटमेंट में, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अपन बात करें डोर्स का, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करें कैंसर, किसी के कैंसर हो जाए, अपन बात करें किसी के कैंसर हो जाए तो इसके उपचार में कौन सी थेरेपी देते हैं, केमोथेरेपी। या बात करें दोस्तों जिसे टीबी के उपचार में कौन सा टीका लगता है, बीसीजी का टीका, बैसिलाई कोलमेटी ग्यूरिन एट बर्थ, जन्म के समय। नेक्स्ट बात करें कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी, जैसे बात करें कोबाल्ट का उपयोग करते हैं, जैसे विटामिन B12 का उपयोग करते हैं, गामा किरणों का करते हैं, स्पेशली थायरॉइड कैंसर में भी यूज आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इधर आपका जॉन्डिस पीलिया, अगर किसी के पीलिया हो, जॉन्डिस हो, तो पीलिया के उपचार में दोस्तों एक थेरेपी देते हैं जिसका नाम है फोटोथेरेपी। इसका नाम क्या होता है दोस्तों, फोटोथेरेपी। और लास्ट आपके सामने लेप्रोसी, लेप्रोसी के उपचार में देते हैं एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी। दोस्तों एमडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी। दोस्तों आपके सामने चार जांची थी, चार आपके थेरेपी थी, डोर्स थेरेपी का यूजी, टीबी में कीमोथेरेपी का यूजी, कैंसर में जॉइंडिस का उपयोग फोटोथेरेपी में, और लेप्रोसी में करते हैं पर किसका एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी। तो दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा आपको ये थेरेपी और ये एग्जामिनेशन एक जगह जानकर, आपका कंफ्यूज दूर हुआ होगा। दोस्तों इनमें कभी कंफ्यूज मत होना, ये